अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़िम मोहतरम अल्लामा साद हुसैन निजी साहब से ऐसे सवालात किए गए कि जो तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान भी जानना चाहते हैं और दीगर जो सियासी पार्टियां हैं जिनका ये सवाल जो जनाब सबसे पहले उठाते हैं कि यार जब तहरीके लब्बैक पाकिस्तान की हुकूमत आएगी। अभी आपके सामने मैं साद अली साहब का क्लिप भी रखूंगा कि जिस के अंदर उन्होंने जनाब कितने एहसन अंदाज के साथ जवाब दिया है कि जब पाकिस्तान तहरीके लब्बैक पाकिस्तान की हुकूमत आएगी तो तहरीके लब्बैक पाकिस्तान जो है ये फिल्म इंडस्ट्री जो है उसको क्या बंद कर देगी, क्या जब तहरीके लब्बैक पाकिस्तान की हुकूमत आएगी क्या वो भी तालिबान की तरह जो है वो जबरदस्ती सारे काम जो है वो करवाए जाएंगे, क्या जब तहरीके लब्बैक पाकिस्तान की हुकूमत आएगी तो औरतों को जबरदस्ती जो है वो बुर्का पहनाया जाएगा, क्या तहरीके लब्बैक पाकिस्तान की जब हुकूमत आएगी तो ये जो आपस के अंदर तालीम दी जा रही है लड़की और लड़कों को क्या इसको खत्म किया जाएगा। नाज़िम मोहतरम इन तमाम सवालात के जवाब जो है अल्लामा साद हुसैन साहब ने किस खूबसूरत अंदाज के अंदर दिए हैं, अभी आप उनकी जुबान से जो है वो समाअत फरमाएं। अगर तहरीके लब्बैक पाकिस्तान की हुकूमत बनती है तो क्या ये तालिबान जैसी हुकूमत होगी, क्या ख़वातीन को ज़बरदस्ती नकाब करवाए जाएंगे, क्या फिल्म इंडस्ट्री बंद कर दी जाएगी, किस तरह से मामला आगे चलेंगे। देखें आप आए हैं, मैंने तो आज तक आपसे यही सवाल नहीं किया कि आप सवाल क्या करेंगे, तो जब मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि ज़बरदस्ती तो अलहदा की बात है, मैं आपसे अपने हक ही नहीं ले रहा, ठीक है, तो मैं ज़बरदस्ती कैसे करूँगा। देखें इस तफ्ते कल्ब का मेरे आका मौला का फरमान है, जब भी कोई बात करनी है ना अपने दिल से पूछ, तालिबान की हुकूमत कैसी है, कौन कैसे की है उन्होंने, उनका एक अपना तरीक़ाकार होगा, हमारा तरीक़ाकार ये नहीं है। हम दीन के मुताबिक पहले ख़ुद को ढालेंगे, फिर वो नमूने पेश करेंगे मुआशरे में जिससे मुतासर होकर लोग खुद दीन पर अमल करें। तो नाज़िम मोहतरम इस तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के बारे में आप अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट में ज़रूर बताएँ।